आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी में हिंदी वर्णमाला की तीसरा भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम उन प्रश्नों को कवर करते हैं जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करें वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना या फिर इसको एक पीडीएफ के रूप में, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर जाकर आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, इसके पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उनको भी बड़े आसानी से देख पाएंगे। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें वीडियो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपको बता दें कि ये तीसरा भाग है हिंदी वर्णमाला के लिए, तो आप उन दो वीडियो को देखने के बाद ही इसे देखिएगा। वो दो वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण यहाँ पे आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 शिफ्ट 1 में। एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि ये वीडियो हम इसलिए कवर कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो कि पूछा जा चुका है, और इससे ये फायदा होगा कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण में हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला, ठीक, इसके अलावा दूसरा, इसके अलावा सौ, सौ और सौ, ये होते हैं अघोष वर्ण। अघोष और सघोष होता है, तो पहला, दूसरा, सौ, 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 ये अघोष होता है। अब आप खुद देख लीजिए, तो इसमें से पहला वाला सही होगा क्योंकि ये प, फ, ब, भ और म होता है, तो ये पहला है, यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं। ये पूछा गया था क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 में, पहले शिफ्ट में। अपना उत्तर कमेंट करके तुरंत बताएं। कंठ पूछा गया है, तो कंठ में क्या होता है, पूरा क वर्ग होता है। पूरा क वर्ग मतलब कि क, ख, ग, ग, अंग, इसमें कोई है नहीं। इसके अलावा कंठ में अ भी होता है, ह भी होता है, यानी कि इसमें अ है और यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि प, फ, ब, भ और म, ये जो व्यंजन है ये क्या है, क्या यह दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है या फिर कंठ है। तो ये है ओष्ठ, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, प, फ, ब, भ, म, तो इस तरफ। अगला है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जब जोड़ने के बाद जो बनेगा उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि अगर हम बात करें त्र की, त्र की बात करें तो ये कैसे बनता है, आधा त और र। अगर हम अज्ञा को बताएं तो अज्ञा बनता है आधा ज इया। तो इस तरह जो ये कक्ष, त्र, अज्ञा है और स्र, ये चार संयुक्त होते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें अल्प प्राण के बारे में जो यहाँ पे कहा गया है, तो अल्प प्राण वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में कम हवा निकले मुंह से। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है ये अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो महाप्राण दिया गया है, महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। अगला है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी में। तो देखिए ये तीनों हैं स्वर, चाहे हम बात करें ह्रस्व की, तो अगर ह्रस्व को आप देखेंगे तो ह्रस्व में होता है अ, ई, उ, रे। अगर दीर्घ को आप देखेंगे तो दीर्घ में भी कई होते हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इसके अलावा ए, आए, ओ, ओ को भी दीर्घ में जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे प्लूत की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो प्लूत में आप देखते हैं जैसे कहा जाता है कि ओम, तो ये जो प्रयोग हो रहा है इसको हम प्लूत कहते हैं। अगला है कि सघोष वर्ण कौन सा है। इनमें से लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 15/7/2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया है सघोष के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सघोष के बारे में कौन है, तो बस आपको ये रूल याद रखना होगा कि हर वर्ग का जो पहला और दूसरा है ये अघोष होता है,
तीसरा, चौथा और पांचवा, ये स्वघोष होते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा कौन है, तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा ब, क्योंकि प, फ और ब, ये तीसरा मिल रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अगर तीसरा, चौथा या फिर पांचवा है तो ये सघोष होगा। उष्म व्यंजन कौन सा है, उष्म बताना है आपको। उष्म कितने होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, तो उष्म होते हैं चार, कौन कौन, सौ, सौ, सौ और ह। देखिए कोई विकल्प है तो विकल्प है और ये वाला है ह। क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 15/7/2018 में। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है, अंतस्थ आसान क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में जो हुआ था, ग्राम पंचायत ग्राम विकास नहीं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे पूछा गया अंतस्थ के बारे में, तो अंतस्थ में होगा आपका, अंतस्थ में क्या होगा कमेंट करके बताएं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ होता है। अगर आप सौ 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 ह को देखेंगे तो इसे हम उष्म या फिर संघर्षी कहते हैं। अगर आप छत्र अज्ञा को देखेंगे तो इनको हम संयुक्त कहते हैं। इसके अलावा आप च, छ, ज, झ को देखेंगे तो इनको हम तालव्य आप कह सकते हैं या फिर स्पर्श कह सकते हैं। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं, उष्म व्यंजन कौन से हैं ये आपको बताना है। अभी आपने अंतस्थ को देखा तो उष्म में होता है सौ, 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 ह, यहां पे हमने बताया है सौ, सौ, ह को उष्म कहते हैं, तो यही आपका सही उत्तर होगा। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 25/9/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए, और लोगों तक इसको पहुंचाना जरूरी है तभी इस सीरीज को हम आगे कर पाएंगे। अगला है कि हिंदी भाषा में की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, ये क्वेश्चन काफी मतलब परेशान करने वाला होता है, 52 दे दिया, 55 दे दिया, 44 दे दिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपका सही उत्तर है 52। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ होता क्या है कि जो स्वर होता है, स्वर इसमें 11 को माना गया है, इसके अलावा जो वर्ग वाले हैं मतलब कि क वर्ग 5, इसके अलावा च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5, तो अभी हो गया 25, 25 और 11 जोड़ देंगे हो जाएगा 36। इसके अलावा क्या होता है अंतस्थ, अंतस्थ में होता है य, र, ल, व, यानी कि ये हो गया 4। इसके बाद से उष्म स, 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 ह, ये हो गया 4। इसके अलावा संयुक्त कछ, त्र, अज्ञा और स्र, ये हो गया 4। फिर अयोगवाह 2, द्विगुण 2, तो इस तरह आप जोड़ेंगे तो सबकी संख्या हो जाएगी 52, जोड़ सकते हैं आप। अगला है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं, इनमें से मध्य स्वर कौन है कमेंट करके बताएं, किसको हम मध्य स्वर कहेंगे। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे उसको हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन है ये आपको बताना है, आसान है, विकल्प देखकर आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए यहां पे कहा गया है कंठ के बारे में, तो कंठ में होता है पूरा क वर्ग, इसके अलावा ह होता है, अ होता है, तो ये आपका विकल्प सही होगा। र मौका रूप क्या है, ये आधा र है, अब बताइए कि इसका एक रूप क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां पे दो चीजें हैं, दो में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, जैसे कि एक ये है और एक ये है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे मो में अगर आप री जोड़ते हैं तब ये वाली कंडीशन आएगी,
अगर इसको देखेंगे तो यही है आधा म और र, इसमें इसमें होगा आधा म और र, और इसका तो आप देख ही रहे हैं। जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था 31/7/2016 में, प्र में पूर्ण वर्ण क्या है, मतलब प्र जो है दो को जोड़ के बनाया गया है, इसमें एक आधा प है और एक र है, तो इसमें पूछा है पूर्ण वर्ण, तो पूर्ण वर्ण क्या है, र। ये भी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में पूछा गया था। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए, देखिए इसमें कई में गलतियां हैं तो बताइए। यही वाला सी वाला इसका सही होगा, उ आधा द आधा य आ आधा न अ, उद्यान, जूनियर इंजीनियर परीक्षा में ये भी पूछा गया था। 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे, अगर आप बताएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। UP SSSC के किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए ये जो भी वीडियो है सभी बेहद महत्वपूर्ण होगी। सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर एक ही जगह आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी कहा गया है, तो इसमें से आपका सही होगा ज। ये अमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा गया था। अगला है कि एक के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, आए है, ये है, बताइए। जिनको इस वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू लग रहा है यहाँ पे 3 डॉट को दबाएं, हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करें, ये वीडियो आपको क्लीन दिखेगी। देखिए ए हो या फिर आए हो, ये दोनों का होता है कंठ तालव्य, ठीक है। एक बार आपको बता दें कि अगर हम कंठ की बात करेंगे तो कंठ में होता है क वर्ग पूरा, अ होता है, उसके बाद ह होता है और अंग होता है, इसके बाद तालव्य में च वर्ग होता है, मूर्धन्य में ट वर्ग होता है, दंत में त वर्ग होता है, ओष्ठ में प वर्ग होता है, और कंठ तालव्य ये पूछा जाता है, कंठ तालव्य ए आए, और इसके अलावा पूछा जाता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ में आते हैं ओ और अ। अगला है कि स का उच्चारण स्थान क्या है, इस वाले स का उच्चारण स्थान बताइए, तो स का उच्चारण स्थान है तालु। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 3/7/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए आपको एक चीज समझना होगा कि अब आपसे वर्ग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वर्ग के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 26/6/2016 में लोअर सेकेंड नहीं, लोअर थर्ड हुआ था। नहीं तो आप में से कुछ लोग मिलाएंगे तो उनको ये लगेगा कि यहाँ पे गलती क्वेश्चन लिखा गया है, ये लोअर थर्ड हुआ था। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो ये है ज, ज जो है ये महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। अगला है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है, अगर आपको हम 50-50 दें तो इसमें से हम दो विकल्प को हटा सकते हैं, ये दोनों विकल्प हमने हटा दिया, अब बताइए। तो यह है पश्च समृद्ध, जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 24/4/2016 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष, अघोष और सघोष से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय के परीक्षाओं में, तो इसे तो आप तैयारी रखिए। लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 26/6/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है ज, अघोष वर्ण, यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था, यहाँ पे आप देखेंगे कई तरह से, जैसे ज स्पर्श संघर्षी भी है और ज एक अल्प प्राण भी है, महाप्राण नहीं है मतलब कि अल्प प्राण है, और इसके अलावा ज अघोष वर्ण भी है। व का उच्चारण स्थान बताइए, तो वह है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अगला है कि हिंदी शब्दकोश में कछुआ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा
21-2-2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कछुआ में क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए कछुआ में क्या होता है, क होता है और उसके बाद छ होता है, तो ये है इसका किस वर्ण के बाद आता है तो क होगा। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। मैंने आपसे ये पूछा जाए कि सबका, तो सबका आपने बता दिया कि 52 है, यहाँ पे आपको बताना है केवल कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये होती है 33। 33 ग्राम पंचायत में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वह व्यंजन है, फिर से वह का उच्चारण स्थान पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था जो कि 27/12/2015 को पेपर हुआ था। तो वह है अंतस्थ, य र ल व ये होते हैं अंतस्थ। कौन उस व्यंजन नहीं है, तो उसमें में क्या होता है, स स स ह, तो इनमें कौन नहीं है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। जेई परीक्षा में ये भी पूछा गया था। संयुक्त व्यंजन अज्ञा किससे बनता है, तो ये बनता है ज और यहाँ से जी में 27/12/2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो खत्म होने वाली है, उससे पहले आपको बता दें अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को एक टेस्ट के रूप में लेना तो आप ऐप पे जाइए, ऐप पर जाकर के UP SSSC एग्जाम में जाना होगा, वहाँ जाकर आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आपका सही उत्तर होगा। वनरक्षक भर्ती परीक्षा 11/12/2015 में पूछा गया था। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इनके अलावा ये फ आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्ष की बात कही गई है, तो ये हो जाएगा हो चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, मतलब इनमें कौन है जो कि कंठ तालु से जिनका उच्चारण होता है, तो अभी हमने आपको बताया था एक होता है ए और दूसरा होता है आए, तो ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, ट वर्ग में, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे आपका जो उत्तर होगा ये होगा, कमेंट करके बताइए द, ये ट वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं चार, ये होता है ए आई ओ और औ। जब संयुक्त स्वर की काउंटिंग नहीं की जाती है तो उस समय इनको हम दीर्घ में भी रख सकते हैं, अगर संयुक्त स्वर की काउंटिंग होगी तो उस समय इनको हम संयुक्त रखेंगे। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन है, अल्पप्राण महाप्राण, तो महाप्राण व्यंजन है आपका घ। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वैसे ये जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है और पार्श्विक जहां पर भी पूछे आपका सही उत्तर होगा ल। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यहां जाकर आप UP SSSC एग्जाम के बारे में ढेर सारा मटेरियल पा सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।